Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with the poem No of Thomas Hood, and we shall start the explanation of this poem along with reading part. We are going to discuss words meaning, the summary of the poem, and lot more in this video. So if you are interested, just hit the like button and watch the video till the end. And yes, don't forget to subscribe the channel if you are new on the channel. So let's begin with the words meaning given in this words to know box. Here we have a few words given that starts with courtesy. Courtesy means something done out of politeness or consideration for another person them. Students courtesy कहते हैं कि किसी के लिए आपके दिल में मुरव्वत, ठीक है, आपका रवैया किसी की तरफ ऐसा हो जो आपकी काइंडनेस, आपकी पोलाइटनेस, आपकी नरमी को शो करे, ठीक है, यानी कि आप किसी के लिए अपने दिल में नरमी वाला रवैया रखें, दैट इज़ कॉल्ड कर्टेसी. ई एम अपोस्ट्रॉफी ई एम, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देम, ठीक है. देन वी हैव अ वर्ड जेंटिलिटी, इट मीन्स कर्टियस एंड वेल मैनर्ड सोसाइटी. द जेंटिलिटी पीपल फ्रॉम अपर क्लास would take a leisurely walk along the ring in the afternoon, greeting others as they passed. तो gentility किसको कहते हैं students, कि एक ऐसी society जो ज़रा उन लोगों की होती है जो हमारे यहाँ upper class कहलाते हैं, ठीक है, और जिनको हम कहते हैं gentry, high upper class gentry. तो वो लोग, उनकी आदत होती है कि वो शाम में किसी पार्क में जो है वो गैदर होते हैं और वहाँ पर एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं जो ज़रा प्रोफाउंड और इंटेलेक्चुअल किस्म की होती है, और एक साथ वॉक करते हैं. पार्क के अंदर अक्सर आपको रिंग्स वगैरह नज़र आते हैं कि जिसके गिर्द लोग वॉक करते हैं, वॉकिंग पाथ बना हुआ होता है, तो उनको हम जेंटिलिटी कहते हैं, ठीक है. एक ऐसी सोसाइटी जो एक दूसरे का ध्यान रखने वाली हो, और अपर क्लास के अंदर होता है ऐसा ज़्यादातर. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंकलिंग, अ वेग आइडिया एंड इंडिकेशन ऑफ हाउ टू गो अबाउट समथिंग. एक इशारा देना, एक चीज़ की तरफ इशारा करना कि कामों को कैसे किया जाएगा, एक रफ प्लान. रिंग अ सर्कुलर कोर्स इन हाइड पार्क इन लंदन यूज फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग. एज आई टोल्ड यू अर्लियर स्टूडेंट्स, के पार्क्स के अंदर आपको अक्सर जो है वो सर्कुलर वे में रिंग्स बने हुए नज़र आते हैं, उनको रिंग कहा जाता है. तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं और लोग जो है उनके ऊपर वॉक करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ रो. रो जो हम स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास जो लाइन्स होती हैं हॉरिजॉन्टल, उनके भी वर्ड्स यूज़ करते हैं रो का, ठीक है, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन्स होती हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं. लेकिन रो का एक और मीनिंग भी होता है, दैट इज़ अ नैरो स्ट्रीट लाइन विद हाउसेज और बिल्डिंग्स इन बोथ साइड्स. A street where a particular occupation or type of person is predominant. Example, tannery row. तो होता ये है students, कभी कभी आपने गलियों में देखा होगा, ये गलियों के लिए भी word use किया जाता है row. तो क्या होता है, उसके दोनों तरफ आपको houses या buildings वगैरह नज़र आती हैं, और ज़्यादातर ये row उन गलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कोई मशहूर जो है वो ऑक्यूपेशन हो लोगों का, एक ख़ास किस्म के लोग रहते हों, एक ख़ास किस्म की सोसाइटी बनाई हुई हो उन्होंने, और या फिर वो गली किसी नाम से मशहूर हो, जैसे डॉक्टर साहब का महल्ला, डॉक्टर साहब की गली, यानी कि जो इशारा देने के लिए कोई साइन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए हम ये वर्ड रो यूज़ करते हैं. टी आर द साइड द वे, अ खुली खुल contraction of the other side of the road. तो students, ये basically एक contraction है जो complete sentence है हमारे पास, the other side of the road. ठीक है, ये एक informal contraction है, sentence को contract कर दिया गया. So here we have completed the words meaning. Now let's move towards the explanation of the poem. No sun, no moon, no morn, no noon, no dawn, no dusk, no proper time of day, no sky, no earthly view, no distance looking blue. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो पोम है इसके अंदर आप देखेंगे कि सारे सेंटेंसेस हमारे पास नो वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, और बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने नवंबर को, जो आखिर में आपको पता चलेगा, ये नो नवंबर, द मंथ 11th मंथ ऑफ द ईयर नवंबर की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें हमारे पास ना सूरज की रोशनी होती है प्रॉपर, ना रात को चांद नज़र आता है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स,
नो मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, असल में ये मॉर्निंग है कि कोई प्रॉपर सुबह नहीं होती, नो नून, इवन दोपहर भी हमारे पास प्रॉपर नहीं होती, यानी दिन का कोई हिस्सा हमारे पास प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आ रहा होता, ना धूप निकलती है खुल के और ना रात को चांद की रोशनी हमें प्रॉपर मिल रही होती है। नो डॉन, नो डस्क, नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, इवन ये कि हमारे पास जो टाइम्स चेंज हो रहे होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, जिनको हम डॉन और डस्क कहते हैं, डॉन मीन्स द स्टार्ट ऑफ द डे, दैट इज फर्स्ट लाइट, जो सूरज की पहली किरण पड़ती है उसको हम कहते हैं सुबह, बिल्कुल सुबह सवेरे, और डस्क किसको कहा जाता है, जिस वक्त हमारे पास मगरिब का टाइम होता है, असर के बाद जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, दैट इज़ द सनसेट, तो उस वक्त जब अंधेरा फैलना शुरू होता है, सूरज मुकम्मल तौर पर ग़ुरूब हो चुका होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डस्क। ठीक है, तो जो शाम का वक्त है वो भी हमारे पास प्रॉपर नहीं हो रहा होता, और उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, कि जो ऑटम का सीज़न है वो एंड हो रहा होता है और विंटर का सीज़न है स्टार्ट हो रहा होता है, और उस वक्त हमारे पास जो वेदर की कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपको हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और कोई प्रॉपर जो है वो आपको वेदर कंडीशंस नज़र नहीं आ रही। नो स्काई, आसमान भी साफ नहीं नज़र आता, नो अर्थली व्यू, ज़मीन भी साफ नज़र नहीं आती, क्योंकि जगह जगह पर बर्फ़ पड़ी होती है, तो समझ ही नहीं आ रहा होता कहाँ ज़मीन है, कहाँ पानी है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं पता चल पा रहा होता। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू मीन्स स्टूडेंट्स देयर सीम टू बी नो ब्लू स्काइज इन नवंबर, आसमान हमें ब्लू नज़र नहीं आ रहा होता, इसका मतलब ये है। No road, no street, no tea other side the way, no end to any row, no indications where the crescents go, no top to any steeple, no recognitions of familiar people, no courtesies for showing them, no knowing them. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ना सिर्फ वेदर की कंडीशंस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, कुछ क्लियर नहीं होता, बल्कि जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, इवन रोड के दूसरे पार जो कुछ है या गली के कोने पर क्या है, कहाँ पर चांद चला जाता है, कहाँ किस तरह से तुरू होता है, चांद की जो मुख्तलिफ हमारे पास शेप्स आ रही होती हैं, क्रिसेंट की, फिर हाफ मून की, वो भी क्लियर नहीं हो रही होती। इवन हमें किसी स्टिपल यानी किसी भी टावर्स जो लॉन्ग हाइटेड बिल्डिंग्स होती हैं हमारे पास, उनका भी हमें टॉप नज़र नहीं आ रहा होता। नो रिकग्निशन ऑफ फेमिलियर पीपल, रिकग्निशन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, किसी की पहचान होना, तो फेमिलियर पीपल यानी जो नोन हमारे लोग हैं, जो जान पहचान वाले लोग हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहे होते। नो कर्टसीज फॉर शोइंग एम, और कोई एक दूसरे की तरफ कर्टसी भी शो नहीं कर रहा होता, कोई एक दूसरे की तरफ मुरव्वत या काइंडनेस या पोलाइटनेस भी शो नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे होते। नो नोइंग एम, क्या मतलब कि एक दूसरे से वाकफियत ही नहीं हो रही होती, क्योंकि मुलाकात ही नहीं हो रही होती, सब अपने अपने घरों में कैद हो गए होते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि वेदर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया होता है। नो ट्रेवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, नो इंक्लिंग ऑफ द वे, नो नोशन, लोकोमोशन और नोशन का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स, इट मीन्स मूवमेंट यानी ट्रैवलिंग, लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल अबंडन हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि हर तरफ बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, मौसम इतना ठंडा है कि लोग बिल्कुल अपने घरों में कैद होते हैं, और ये भी नहीं समझ आ रहा होता कि रास्ता किस तरफ जा रहा है, हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, तो रोड्स भी बिल्कुल स्लिपरी हो रहे होते हैं और कोई जो रास्तों की इंडिकेशंस है वो नहीं मिल रही होती। नो गो बाय लैंड और ओशन, ना ज़मीन से सफ़र करना पॉसिबल हो रहा होता है और ना समंदर के रास्तों से पॉसिबल हो रहा होता है। भाई क्यों? क्योंकि समंदर में भी जो पानी होता है वो बर्फ़ बन गया होता है। नो मेल, नो पोस्ट, ज़ाहिर सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होगी तो कोई मेल भी नहीं आएगी, कोई पोस्ट भी नहीं आएगी। नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, इवन ये कि लोगों का आपस में एक दूसरे से मिलना प्रॉब्लमेटिक हुआ होता है, लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे होते, तो जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरे शहर हैं, जो समंदर में एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं,
उनका मिलना कैसे एक दूसरे से पॉसिबल हो सकता है? तो जो हमारे सी शोज होते हैं, समंदर के किनारे जो जहाज़ एक दूसरे पर आके लंगर अंदाज होते हैं और दूसरे मुल्कों की खबरें आ रही होती हैं, तो वो भी स्टॉप हो जाती हैं। नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटिलिटी। शाम के टाइम पर, जो सपहर के टाइम पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पार्क्स में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वॉक करते हैं, वो भी सब ख़त्म हो जाता है। नो कंपनी, नो नोबिलिटी। ठीक है, कोई कंपनी, कोई फ्रेंडशिप्स बाकी नहीं रह जाती और कोई एक दूसरे की तरफ नरमी और एक दूसरे के लिए जो है वो फ्रेंडशिप वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुई भी होती है। नो वार्मथ, नो चीयरफुलनेस, नो हेल्थफुल ईज। जब मौसम में सर्दी नहीं है तो आपस में मिलने से कैसे गर्मजोशी मिलेगी? तो जब लोग आपस में मिल नहीं रहे होते तो कोई एक दूसरे की जो गर्मी होती है, जो फ्रेंडशिप होती है, जो एक दूसरे को मिलके इंसान को खुशी मिलती है, वो भी नहीं मिल पा रही होती। नो चीयरफुलनेस, कोई जो है वो हंसी मजाक, कोई तफरी, कुछ नहीं हो रहा होता। नो हेल्थफुल ईज, इवन ये कि जो सेहतमंद हमारे पास ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टॉप हुई हुई होती हैं। ठीक है, ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो रही होती है, ना कोई मेंटल जो है वो एक्टिविटी हो रही होती है लोगों की। नो कम्फर्टेबल फील एंड एनी मेम्बर, कोई एक दूसरे की तरफ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता। जाहिर है जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के दुख सुख को शेयर करते हैं, लेकिन जब मिलेंगे ही नहीं तो क्या होगा, सब एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे। नो शेड, नो शाइन, नो बटरफ्लाइज, नो बीज। ये तो इंसानों का हाल है कि वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे होते, और उसके बाद जो हमारे प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका भी यही हाल है, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं। मौसम इतना ज़्यादा अनसर्टेन हुआ हुआ है इस वक्त कि दरख्तों के ऊपर पत्ते नहीं हैं। ठीक है, जब दरख्तों पे पत्ते नहीं हैं, सूरज की कोई रोशनी नहीं है, तो ना कोई शाइन है, ना कोई गर्मी है, ना कोई हीट है, ना कोई शेड है, ना कोई बटरफ्लाइज हैं पार्क्स में जो इधर से उधर जगमगाती भी उड़ती रहें। नो बीज, मक्खियाँ भी नहीं हैं, यानी कि एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, ह्यूमंस भी, एवरी वन दे आर स्टक इन देयर होम्स। नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, नो बर्ड्स, कुछ भी नहीं होता। यानी कि ये एक ऐसा सीज़न है जो इंसान को बिल्कुल तन्हा कर देता है, और इट इज़ नवंबर। नो मीन्स नवंबर। नवंबर के मंथ में ऐसा होता है जब एक सीज़न ख़त्म हो रहा होता है और दूसरा सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है, और ये दोनों सीजन्स का जो मिलन है, जो मिलाप है, तो ये एक ऐसा होता है कि ये सब को एक दूसरे से बिल्कुल दूर कर देता है। दिस इज़ द पोएम ऑफ थॉमस हुड। लेट्स रीड समथिंग अबाउट द पोएट। So Thomas Hood was the son of a London bookseller. At a young age, he became apprentice to an engraver. But when he became quite ill, he left that job and turned to writing. तो पहले वो अप्रेंटिस थे, ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने जब थोड़े बीमार हुए तो अपनी जॉब छोड़ के राइटिंग स्टार्ट की। In 1815, he became a journalist and worked in Dundee, Scotland. ठीक है, उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट काम किया स्कॉटलैंड में। लेटर ही बिकेम द सब एडिटर ऑफ द लंडन मैगजीन, यहाँ तक कि वो एडिटर बन गए लंडन मैगजीन के। ही वॉज नोन इन हिज लाइफ टाइम फॉर हिज कॉमिक वर्क्स, बट इट इज़ हिज मोर सीरियस पोइट्री दैट इज़ रिमेंबर्ड टुडे। ये जो स्टूडेंट्स इनके पोम यहाँ पर हमारे साथ टेक्स्ट बुक में शेयर की है, नो ये बहुत ही सीरियस वर्जन है इनकी पोइट्री का, वरना उनको कॉमिक पोइट्री का बहुत शौक़ था, यानी जिससे कि लोगों को जो है वो हंसने और मज़ा का मौका मिलता है। कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। डॉन, मैंने आपको बताया था, स्टार्ट ऑफ द डे, फर्स्ट लाइट, बिल्कुल सुबह तड़के, डस्क नाइट फॉल, सनसेट डार्क, शाम को जब सूरज ढल जाता है। लुकिंग ब्लू कहते हैं फीलिंग सैड, अफसुरदा हो जाना। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, ये जो पूरा फ्रेज दिया हुआ था इसके मीनिंग क्या है, देयर सीम्स टू बी नो ब्लू स्काइज इन नवंबर, यानी आसमान भी जो नीला नीलापन होता है उसका, वो भी बिल्कुल ढक जाता है और छुप जाता है, इसलिए आसमान भी ब्लू नज़र नहीं आता। क्रिसेंट कहते हैं आर्च, हाफ मून, जो चांद की पहली लकीर होती है ना स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं क्रिसेंट। इसको उर्दू में हिलाल कहा जाता है, बिल्कुल बारीक सी जो एक आर्च बन रही होती है। इंडिकेशन, साइन, सिग्नल, इशारा। स्टीपल कहते हैं टावर को, बहुत ऊंचाई। रिकग्निशन कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, एक दूसरे की पहचान। फेमिलियर कहते हैं क्लोज, डियर, नियर, बिल्कुल करीबी, जो आपके लोग जान पहचान के होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट,
एक से दूसरी जगह मूव करना। नोशन मीन्स आइडिया, बिलीफ, रफली जो हमारे पास आइडियाज़ होते हैं तो एक ख्याल उसको कहा जाता है। नोबिलिटी, गुडनेस, डिसेंसी, एक इंसान की जो है वो जो बहुत नोबल होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उसकी नोबिलिटी। चीयरफुलनेस, जॉयफुल, लाइवली, प्लेजेंट, खुशगवार के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। वार्म्थ कहते हैं कम्फर्ट, फ्रेंडलीनेस, जो गर्म जोशी होती है एक दूसरे से मिलके, जो आपको गर्मी महसूस होती है एक दूसरे की, जो क्या कहा जाए इसको कि एक दूसरे से मिलके जो खुशी मिलती है उसको हम कहते हैं वार्म्थ। इसकी समरी भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस पोम की मैंने समरी आपके लिए लिखी है, तो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। इन दिस पोम नवंबर, द पोएट थॉमस हॉट डिस्क्राइब्स द ब्लीकनेस ऑफ नवंबर। A heavy fog obscures everything, the sun, the moon, the steeples, the roadways, the parks, even the faces of people on the streets. Travel closed down because of the fog. As a result, there are no mail deliveries and no ships arriving with news from foreign countries. Visitors stay away because the autumn has stripped the leaves from the trees, killed the flowers and fruits, and banished birds, bees and butterflies. There is nothing left to cheer those venturing through the city. यानी कि ज़िंदगी एकदम से बिल्कुल रुक सी जाती है. Everybody got stuck in their homes. So students, there are times when there doesn't even seem to be a way forward or even around. कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी बिल्कुल थम सी जाती है, रुक जाती है कि हमें आगे का रास्ता तो दूर की बात है, अपने इर्द गिर्द भी कुछ समझ में क्या दिखाई नहीं दे रहा होता। इट रिमाइंड्स दैट सम थिंग्स आर जस्ट बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। समटाइम्स वी जस्ट कैंट एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव और एक्ट हाउ वी वुड होप। तो हमें लोगों का बिहेवियर भी उस वक्त में समझ नहीं आ रहा होता कि हमें समझ नहीं आ रहा होता हम लोगों से एक्सपेक्ट क्या करें और लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो दिस इज़ अ पोम दैट वी ऑल गो थ्रू इन आवर लाइफ, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्वाइट ऑफन, मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम्स, बट एवरीबडी गोज थ्रू इट इन देयर लाइफ टाइम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो होता यही है कि ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, हर एक के साथ ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको बहुत सारे इम्तहानों का सामना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि नवंबर के बाद फिर दिसंबर आता है और लाइफ फिर वैसे ही चलना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हर काली रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, तो इंसान को हमेशा होपफुल रहना चाहिए, पुरुमीद रहना चाहिए और ख़ुशी से अपने मुश्किल के दिनों को भी काट कर गुजार देना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।